हेलो एवरीवन, आज मैं आपको हिंदी में वर्ण तथा वर्णमाला किसे कहते हैं और वर्णमाला का हमने ध्वनि कैसे निकलती है आज हम डिजी में आपको एक्सप्लेन करने जाएंगे। लाइक दिस बेटा, वर्ण वर्णमाला। बच्चों, आज हम वर्णमाला के बारे में जानेंगे। वर्णमाला क्या है? स्वर और व्यंजन जब लिखे जाते हैं तो वह वर्णमाला कहलाता है। अध्ययन उद्देश्य। इस अध्याय को पूरा करने के पश्चात आप जानेंगे कि ध्वनि क्या है, वर्ण क्या है, वर्ण के प्रकार, ध्वनि क्या है, मुंह से निकली अलग अलग ध्वनियां बुआ की ध्वनि है ब उ आ। ध्वनि है आ अण अ। ये ध्वनिया की वर्ण कहलाती है। इन्हें और छोटा नहीं किया जा सकता। वर्ण के प्रकार। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। हिंदी में 11 स्वर होते हैं। स्वर अ आ इ ई उ ऊ रि ए ए ओ औ। व्यंजन क ख ग घ अण च छ ज झ अण ट ठ ड ढ अण त थ द ध न प फ ब भ म य र ल व श श स ह अं और अह। ऐसे वर्ण हैं जो न स्वर है न ही व्यंजन है। क्ष त्र ज्ञ श्र ऐसे वर्ण हैं जो दो वर्णों के मिलने से बनते हैं। ळ और ढ ये वर्ण भी व्यंजन में शामिल कर दिए गए हैं। सारांश। मुख से निकलने वाली ध्वनियां वर्ण कहलाती है। ध्वनियों को छोटा नहीं किया जा सकता। वर्ण दो तरह के होते हैं, स्वर और व्यंजन। वर्ण वर्णमाला। बच्चों, आज हम वर्णमाला के बारे में जानेंगे। वर्णमाला क्या है? स्व
स्वर और व्यंजन जहाँ एक क्रम से लिखे जाते हैं तो वह वर्णमाला कहलाता है। अध्ययन उद्देश्य। इस अध्याय को पूरा करने के पश्चात आप जानेंगे कि ध्वनि क्या है, वर्ण क्या है, वर्ण के प्रकार, ध्वनि क्या है, मुंह से निकली अलग अलग ध्वनियां बुआ की ध्वनि है ब, उ, आ। ध्वनि है आ, अ। ये ध्वनिया की वर्ण कहलाती है। इन्हें और छोटा नहीं किया जाता। वर्ण के प्रकार। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। हिंदी में 11 स्वर होते हैं। स्वर अ, आ, ई, ई, उ, ऊ, रि, ए, ए, ओ, औ। व्यंजन क, ख, ग, घ, अण, च, छ, ज, झ, अण, ट, ठ, ड, ढ, अण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, श, स, ह, अं और अह। ऐसे वर्ण हैं जो न स्वर हैं न ही व्यंजन हैं। क्ष, त्र, ज्ञ, श्र ऐसे वर्ण हैं जो दो वर्णों के मिलने से बनते हैं। ड और ध ये वर्ण भी व्यंजन में शामिल कर दिए गए हैं। सारांश। मुख से निकलने वाली ध्वनियां वर्ण कहलाती है। ध्वनियों को छोटा नहीं किया जा सकता। वर्ण दो तरह के होते हैं, स्वर और व्यंजन। जी तो आपको डीजी में भी अच्छे से एक्सप्लेन हो गया कि वर्ण किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से होते हैं। ओके, कंप्लीट योर वर्क।